हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइज ब्रेनर। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रज्ञा हिंदी क्लास 8 में पार्ट नंबर 2 को बाकी। ये पार्ट बेसिकली माँ और बेटे पर एक कहानी है। तो आइए हम इसके क्वेश्चन आंसर अभ्यास प्रश्न को देखेंगे। वर्ड मीनिंग बाकी पार्ट के शब्दार्थ देख लेते हैं। कोहराम, कोहराम मतलब रोना पीटना विलाप करना होता है। भूमि शयन, भूमि शयन मतलब जमीन पर सोना होता है। करुड़, करुड़ मीन्स दीन होता है। उपद्रव यानी उत्पात। अग्नि संस्कार, मृत्यु के बाद सबको अग्नि में जलाना ही मृत्यु संस्कार कहलाता है। अनमना दास और खिन्न, कंटित अधीर, प्रफुल्ल खिला हुआ या प्रसन्न। उग्र रूप यानी प्रचंड रूप को बोलते हैं। उखादि भेद देने वाला या भेदिया जिसको बोलते हैं। हतबुद्धित यानी बेसुध या फिर घबराया हुआ। हतबुद्धित या फिर घबराया हुआ वाले को बोलते हैं। शब्दार्थ कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसके अभ्यास प्रश्न पे आ जाते हैं। तो पहला है कुछ करने को। कुछ करने को में पहला प्रश्न है, मैं और मेरी माँ इस विषय पर संक्षेप में अपने अनुभव या विचार सुनाइए। फिर प्यारे बच्चों, मैं और मेरी माँ इस पर आपको शॉर्ट्स में विचार अपने रखने हैं या फिर अपना अनुभव रखना है, यानी सुनाना है अपने टीचर को। कैसे सुनाएंगे? मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ। मेरी माँ बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। वह मेरा बहुत ख्याल रखती है। वह मेरे लिए रोज खाना बनाती है। वह मेरे सारे काम को बिना कहे कर देती है। मुझे कब दुख है, कब मैं खुश हूँ पता चल जाता है। इस तरीके से आप आ सकते। क्वेश्चन नंबर विचार और कल्पना पे आ गए हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, पतंग इतनी ऊंचाई तक कैसे उड़ती है? एक कागज का सादा पन्ना नहीं उड़ता है, कारण स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, पतंग अपने विशेष आकृति और बनावट के कारण ऊंची उड़ती है, परंतु सादे कागज की बनावट उस प्रकार की नहीं होती जिससे वह उड़ सके। तो समझ में आ गया होगा, सब कुछ उसकी आकृति और बनावट के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, श्यामू लिखना नहीं जानता था, इसलिए वह पतंग पर अपनी काकी का नाम नहीं लिख पाया। आप बताएं, जो लोग लिखना नहीं जानते हैं उनको जीवन में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा? उत्तर है, जो लोग लिखना नहीं जानते उन्हें जीवन भर लिखने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है और इसका उन्हें सदैव अफसोस रहता है। यह पढ़ना और लिखना दोनों ही बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको जिंदगी भर सिर्फ अफसोस रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपका मन भी आकाश में उड़ने को होता है का पतंग की तरह, यदि आप भी उड़ सकें तो सबसे पहले किस स्थान पर जाना चाहेंगे और क्यों? प्यारे बच्चों, इसका उत्तर आपको स्वयं लिखना है, बट मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। जैसे कि मैं अपना उत्तर लिखूं तो मैं असम जाना चाहूंगी, कोई भी ऐसे एरिया में जहाँ बहुत सारे पर्वत पहाड़ ना हो, वहाँ पर हरे भरे पहाड़ों पर्वतों को देखो, सारे पेड़ पौधों को देखो, है ना। अगर आपको प्रकृति से प्रेम है तो आप भी ऐसी कोई जगह चुन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पाठ में आपने पढ़ा कि श्यामू ने विवस्था में अपने दाजी की कोट के जेब से पैसे निकाल लिए थे, आपके विचार से ऐसा करना उचित था अथवा अनुचित? कारण भी बताएं। पर थोड़ा बड़ा है इसका, श्यामू एक छोटा सा बालक था, वह अपने पिता से डरता भी था। अपनी स्वर्गवासिनी माँ के अत्यधिक स्नेह से पिता की कोट के जेब से पैसे निकाल लेने को मजबूर किया। वह इतना नादान था कि वह यह भी नहीं मालूम था कि उसकी माँ मर चुकी और माँ तक पतंग नहीं जा सकती। उसे उचित अनुचित का ज्ञान नहीं था, वह एक निर्बोध बालक था, इसलिए पिता की जेब से पैसे निकाल लेना इस दृष्टिकोण से अनुचित कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर, अब हम पाठ से आ गए हैं। पहला प्रश्न है इसमें, समूह का खा से नामों को छांटकर समूह का से संबंधित शब्दों के सम्मुख लिखिए। समूह का है, समूह खा है। श्यामू के पिता विश्वेश्वर थे। श्यामू का साथी भोला था। श्यामू के भैया जवाहिर थे। श्यामू के साथी की बहन जीती।
हैं जीजी, जी को बोलते हैं जीजी। श्यामू की माँ काकी, श्यामू के साथी की माँ सुखिया, सुखिया। तो इस तरह से हम इनको सही मिला लेंगे। क्वेश्चन नंबर टू है पार्ट से में, श्यामू ने भोला के सामने कौन सा रहस्य खोला, रहस्य यानी सीख। उत्तर है, श्यामू ने भोला को बताया कि किस प्रकार वह ऊपर राम के पास पतंग को और उस पर बैठकर बाकी नीचे उतरी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है पार्ट से में, श्यामू ने जवाहिर भैया से कागज पर काकी क्यों लिखवाया। श्यामू ने जवाहिर भैया से पतंग पर काकी इसलिए लिखवाया कि पतंग सीधे काकी को ही मिले, और ये भी लिखवाया क्योंकि श्यामू को लिखना नहीं। ये उत्तर इसमें और भी जोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर फोर है पाठ से, उड़ती हुई पतंग को देखकर क्या सोचकर श्यामू का हृदय एकदम खिल उठा। उत्तर है, उड़ती पतंग को देखकर श्यामू के मन में विचार आया कि वह एक पतंग ऊपर भेजेगा जिस पर बैठकर काकी नीचे उतर आएंगी। लिख गया है, बैठ कर लिख लीजिएगा, डब आए की मात्रा आएगी। यह सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। क्वेश्चन नंबर फाइव है, भोला एक ही डांट से डांट में मुखबिर हो गया, बाकी का क्या तात्पर्य है। श्यामू के पिता ने जैसे ही भोला को डांटा, भोला ने डरकर श्यामू की पूरी योजना उनको बता दी। एक्चुअली बच्चे जो होते हैं बड़े ही मासूम होते हैं, बड़े से प्रेशर पे। क्वेश्चन नंबर सिक्स है पार्ट से, रस्सी से पतंग तानकर काकी को राम के यहां से नीचे उतारेंगे। बोला से यह बात सुनकर विशर हतबुद्ध, बोध बालक के मन में उठ रहे विचारों को सोचकर विश्वेश्वर हतबुद्ध हो गए। क्वेश्चन नंबर सेवन है, कहानी के आधार पर दो सवाल बनाइए। पहला सवाल है, प्यारे बच्चों, लोग किसको उठाकर शमशान ले जा रहे थे। दूसरा प्रश्न बनाएंगे, श्यामू ने अपने पिता के कोट की जेब से पैसे लाए थे। प्रश्न बन गए इस पार्ट से। नेक्स्ट है, भाषा की बात पे आ गए हैं। अब हम भाषा की बात पे हम पहला प्रश्न देखेंगे। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। वाक्य में श्यामू और पतंग संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द, प्यारे बच्चों, वह शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या प्राणी का बोध कराते हैं, उन्हें हम संज्ञा। श्यामू व्यक्तिवाचक और पतंग जातिवाचक संज्ञा है। नीचे लिखे वाक्य में आए संज्ञा पदों को पहचान कर लिखिए तथा उनके भेद बताइए। तो एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा था। देखेंगे सर, तो खूंटी और कोट क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, विश्वेश्वर व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे लिखा है विश्वेश्वर और कोट। कोट और खूंटी क्या हो जाएगा, एक तरह की वस्तु है। ठीक है, तो ये आपकी जातिवाचक जाति में आती है, और कोट जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। विश्वेश्वर एक व्यक्ति का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। की बात में क्वेश्चन नंबर टू है, जो बुद्धि वाला हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है बुद्धिमान। इसी प्रकार नीचे लिखे वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखिए। देखेंगे का है, जिस पर विश्वास ना किया जा सके तो अविश्वसनीय होता है। खा है, जिसका स्वर्गवास हो गया हो, स्वर्गीय बोलते हैं। गा है, जो अपने मन को एकाग्र रखता हो, एकाग्रचित बोलते हैं। खा है स्थान जहाँ सब जलाए जाते हैं, स्थान बोलते हैं। ठीक है, इस तरह हमने एक वाक्यांश के लिए एक शब्द लिख लिया। क्वेश्चन नंबर थ्री पे मूव करेंगे, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ बताइए और अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहले हम देखेंगे, हराम मचाना का अर्थ होता है बहुत शोर शराबा करना। बाकी प्रयोग लिखेंगे इस पे, ट्रेन में बम की अफवाह सुनकर यात्रियों में हराम मच गया। दूसरा है, हृदय का खिलना का अर्थ होता है प्रसन्न होना। बाकी प्रयोग देखेंगे इसका, बेटे को जिला अधिकारी बनता देख पिता का हृदय खिल उठा।
चिंता का मारा होना का अर्थ होता है परेशानी में होना। बाकी प्रयोग देखेंगे इसका। अचानक तेज बारिश होने से किसान चिंता के मारे सो ना सका। नेक्स्ट है रहस्य खोलना, सच सामने। बाकी प्रयोग है हत्या का रहस्य खुल जाने पर हत्यारा पकड़ा गया। हतबुद्धि तब होता है अचंभे में पड़ना। बाकी प्रयोग खुलासे श्यामू की बात सुनकर विश्वेश्वर हतबुद्ध। क्वेश्चन नंबर 4 है भाषा की बात का। समझदार शब्द में समझ संज्ञा है, उसमें दार प्रत्यय लगाकर समझ क्या है, समझ आपकी संज्ञा है और दार क्या है प्रत्यय, लगाकर विशेषण पद बना दिया गया है। संज्ञा शब्दों में दार एक इते ई मान और वान आदि प्रत्ययों को लगाने से विशेषण शब्द बनता है। पीछे लिखे शब्दों में उचित प्रत्यय लगाकर विशेषण शब्द बनाइए। विशेषण शब्द वो शब्द होते हैं जो विशेषता बताते हैं, ठीक है। तो फटाफट बुद्धि दीमान हो जाएगा, दीमान एक व्यक्ति की विशेषता होती है। चौकी चौकीदार होता है तो चौकीदार हो जाएगा। उपद्रव तो उपद्रव प्लस उपद्रवी हो जाएगा, ई प्रत्यय लग जाएगा। करुण में करुण प्लस ई करुणीय हो जाएगा, प्रत्यय हो गया। बल प्लस वान तो बलवान, वान प्रत्यय लग गया इसमें और बलवान हो गया। प्रांत प्रांत में प्रांतीय ई लग गया तो ई प्रांतीय हो, ई इसमें क्या हो गया प्रत्यय हो गया और प्रांत क्या हो गया संज्ञा हो गया। कंटा प्लस इत लगा देंगे तो उत्कंठित हो जाएगा, तो इत इसमें क्या हो गया प्रत्यय हो गया। ये भी आपको यहाँ पे पीले कलर में दिख रहा है, ये सब क्या है ये सारे प्रत्यय है और ये सब क्या है ये संज्ञाएं और ये क्या हो रहे हैं ये विशेषण शब्द बन रहे हैं। ये सारे शब्द जो हैं ये विशेषण हैं, ये किसी व्यक्ति की विशेषता बता रहे हैं। जैसे कि वह बहुत बुद्धिमान बालक है तो बुद्धिमान किसकी विशेषता बता रहा है बालक की, ठीक है। चौकीदार, ठीक है चौकीदार। उपद्रवी, उपद्रवी यानी कि वह बच्चा बहुत उपद्रवी है तो उस बच्चे की विशेषता क्या है उपद्रवी है। करुणीय, वह महात्मा बुद्ध बहुत करुणीय थे तो करुणीय मतलब महात्मा बुद्ध की विशेषता हो गई। वह लड़का बहुत बलवान है तो लड़का क्या है बलवान, बलवान उस लड़के की विशेषता यानी विशेषण हो गया। प्रांतीय, प्रांतीय एक जगह होगा हो सकता है प्रांतीय। कंटित, उत्कंठित भी किसी विशेषता होती है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बाय स्प्रिना। अगर वीडियो कोई डाउट हो तो कमेंट में कमेंट बॉक्स कमेंट करके मुझे बता सकते हैं और अपने और फ्रेंड्स को भी आगे फॉरवर्ड करें, वो भी आपकी तरह पढ़ सकते हैं। बाय बाय दोस्तों।